बड़वा थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन ने बताया कि कर्मचारी अशोक बापना की बेटी ऑनलाइन बिजनेस करती है और पेमेंट भी करती है। उनके पास फर्जी बैंक मैनेजर ने कॉल कर एटीएम की डिटेल पूछी और 28,500 खाते से निकाल लिए। मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। आम लोगों से अपील है कि इस तरह के कॉल आने पर कोई भी जानकारी ना दे। प्रतिभा ने बताया कि आईडीबीआई बैंक का मैनेजर अमित मिश्रा बताकर फोन आया। उसने एटीएम कार्ड का 16 नंबर का डिजिट एवं कोड नंबर बताने का कहा। मैंने सहज भाव से सभी जानकारी बता दी। उसके बाद मेरे खाते से 5 बार में लगातार कुल 28,578 रुपए धोखाधड़ी एवं छल पूर्वक निकाले गए। सनावत से प्रभु दोगाया की रिपोर्ट। सर बोलते हैं कि बोले मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, बोले बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला कि सर क्या हो रहा है, जो हमारी प्रोसेस रुक गई है। तो बोलता वो कि बोले मैडम ये आपका एटीएम जो है वो अपडेट नहीं है, आप अपडेट कराइए तो आपकी प्रोसेस चालू कर दी जाएगी बोले यहाँ से। तो उन्होंने मेरे से फिर बोले आपके पास मैडम एटीएम कार्ड है क्या? तो मैंने बोला हाँ सर मेरा एटीएम कार्ड है। तो उन्होंने बोला कि आप आपका नंबर बताइए एटीएम नंबर। तो बोले वो 16 डिजिट का एटीएम नंबर मैंने उन्हें बताया। 16 डिजिट का एटीएम नंबर बताने के बाद वो बोलता मैडम उसको पीछे से पलटाइए। तो पीछे पलटाया तो उसमें कोई नंबर रहता है 3 अंक का, वो नंबर उन्होंने मेरे से मांगा। फिर बोले कि आप मैडम आपने ये जो नंबर दिया है आपका अभी हाल हम अपडेट कर देते हैं यहाँ से। फिर अपडेट करने के बाद मेरे पास कोई नंबर आता है ओटीपी जैसा कोई नंबर, वो नंबर उसने मेरे से मांग के बोलता है कि मैडम आपको देखो एक नंबर मिला होगा 6 अंक का, वो नंबर बता दीजिए अभी आपका फोन एटीएम कार्ड हम अभी अपडेट कर देते हैं यहाँ से। ऐसे उसने मेरे से बार बार प्रोसेस 3-4 बार मांगी और मेरा पेमेंट 9,999 रुपये एक बार निकला, फिर दूसरी बार 9,999 दूसरी बार निकला, फिर 5,000 रुपये निकला मेरा, फिर 3,000 रुपये निकला। ऐसे कर करके उसने मेरा सारा पेमेंट निकाल लिया और बोलता है मेरा नाम अमित मिश्रा करके है, मैं बैंक मैनेजर हूँ, ऐसा बताता है मुझे। ये बड़वा निवासी अशोक कुमार बापना जी है, इन्हें एक लिखित आदेश देकर शिकायत की कि उनकी जो बच्ची है ऑनलाइन बिजनेस करती है और ऑनलाइन पेमेंट करती है। तो उनके मोबाइल नंबर पे एक मोबाइल नंबर जो कि 6370999106 है फोन आया उनके एटीएम संबंधित। तो एटीएम संबंधित उनके द्वारा उसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी करके उनके 30,000 रुपये उनके अकाउंट से निकाल दिए गए। इसमें शिकायत आवेदन जांच में दिया गया है और साइबर सेल की मदद से इसमें ट्रेस करने का प्रयास किया गया। इसमें मेरे आम नागरिकों से भी अपील है कि जो भी ऑनलाइन फोन आते हैं या ऑनलाइन आपके एटीएम बैंक पासबुक या एटीएम के पासवर्ड की जानकारी मांगता है तो उसको ना दें, क्योंकि कोई भी बैंक ऑनलाइन जानकारी किसी भी फ़ोन या मोबाइल के माध्यम से नहीं मांगती है, वो सीधे आपको बैंक में कॉल करके बुला के जानकारी डिटेल लेती है। तो सभी जनता ध्यान दे इसमें कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना पासवर्ड बैंक अकाउंट या एटीएम का जो 16 डिजिट का नंबर है वो ना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।